बात मेरे के बच्चे ध्यान दें कि हम ह्यूमैनिटी प्रोडक्शन में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़े हैं अपना, वो था स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुजनन। अब शुक्राणुजनन की बात हमारा अगला टॉपिक आता है, शुक्राणु की संरचना या स्पर्म की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा जो स्पर्म है वो कैसा होता है, कैसे कैसे बना है, किस किस चीज से बना है और किसका क्या कार्य है। अगर हम एक स्पर्म की बात करें, जो स्पर्म होता है यह मेल युग्मक यानी यह नर युग्मक होता है और यह जो बना होता है या इसकी संरचना अगर हम देखें तो यह मुख्य रूप से तीन भागों में बटा होता है, हेड, मिडिल पीस और टेल। जो इसका हेड होता है, हेड के ऊपर एक टोपी के समान संरचना पाई जाती है जो गाल्जी काय से बनी होती है, यानी गाल्जी काय में जो वेसिकल और ट्यूबुल्स होते हैं उससे बनी होती है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो एक वाल को डिफ्यूज करने में या गलाने में या तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या स्पर्म के हेड पार्ट पर एक कैप के समान संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं और यह एक्रोसोम गाल्जी काय के ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से बना होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो एक के वाल को रप्चर करने यानी तोड़ने का कार्य करते हैं। अब हम आगे चलें तो इसी हेड पार्ट में ही जो मेल न्यूक्लियस होता है, नर केंद्रक होता है, वो पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। अब इसके बाद जब हम आगे मिडिल पीस में आते हैं तो जो इसका मिडिल पीस होता है, यह इसका मिडिल पीस मुख्य रूप से माइटोकांड्रिया से बना होता है और ये माइटोकांड्रिया स्पाइरल माइटोकांड्रिया होते हैं। इसके मिडिल पीस और हेड के पास दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है और एक डिस्टल होता है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वह मेल न्यूक्लियस के साथ एंटर जब करता है इसके इसमें, जब ये एग्स फर्टिलाइज होता है, जो मर सेंट्रियोल्स होते हैं, एक सेंट्रियोल एक से ज्वाइन होता है और दूसरा सेंट्रियोल हमारे मेल न्यूक्लियस के साथ होता है। सेंट्रियोल का होना बड़ा ही जरूरी होता है क्योंकि सेंट्रियोल ही वो यूं कह ले तो कोशिकांग है जो सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के समय पोल बनाने का जो काम करते ही है, उसके साथ साथ ही जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको बनाने का काम सेंट्रियोल का ही होता है। अब आगे हम चलते हैं, जो माइटोकांड्रिया होता है यह मिडिल पीस में होता तो जरूर है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो जो माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया स्पर्म को एक तक पहुंचने में या एक तक पहुंचने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। माइटोकांड्रिया के वैसे सभी लोग काम जानते हैं कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का विद्युत घर या ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। तो जो हमारा माइटोकांड्रिया है वो स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद
जो हमारा मिडिल पीस और टेल है एक स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी स्थान को हम नेक कहते हैं। अब नीचे के बाद हम आते हैं नेक के बाद टेल में, तो इसका जो टेल्स होता है इसका मेनली वन ही फंक्शन है, इसको मूवमेंट करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या सीधे सीधे हेल्प फुल बनाना या हेल्प देना मूवमेंट के लिए। जैसे स्पर्म है, स्पर्म मान लिया वजाइना में एंटर कर गया, अब इसको यहां मान लीजिए वजाइना में एंटर कर गया, अब इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए इस फैलोपियन ट्यूब में आना है, क्योंकि एक यही पर है। अब ये इस पर वजाइना में है, ठीक। अब यहां से इसको यहां तक पहुंचने के लिए चलना होगा, मूवमेंट जरूरी है, तो ये मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट करता है इस टेल के माध्यम से। इसका जो टेल है हमेशा लहराता रहता है, ठीक है। और जब ये लहराता है तो जो स्पर्म है वह आगे बढ़ता है। अब ये मान लीजिए जब एक के पास पहुंच जाता है तो यह एक से फर्टिलाइज करता है। जैसे ही यह एक से फर्टिलाइज होता है, जो इसका नेक भाग है और मिडिल भाग है, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन का जब ये एक से फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन छोड़िए, जब ये फ्यूज होता है मिलता है, तो सबसे पहले एक्रोसोम काम करता है। एक्रोसोम करता क्या है? एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। एक्रोसोम उसके एक सेल के आउटर लेयर से चिपक जाता है, चिपकने के बाद केमिकल फंक्शन रिएक्शन के थ्रू एक्रोसोम नष्ट हो जाता है या रप्चर हो जाता है। तो जैसे यह रप्चर होता है, इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। जब ये सिक्रीट होते हैं तो ये एक के वाल को रप्चर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एक का वाल रप्चर होता है और इसके जो टेल्स हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब हमेशा मिलते रहते हैं, तो ये ओवरी का जो हमारा एग है, मान लीजिए हमारा एग है या हमारा न्यूक्लियस है, अब ये हमारा स्पर्म है, ठीक, ये हमारा स्पर्म है। जब ये स्पर्म इस ओवरी से एक से फ्यूज हुआ है तो इसका एक हेड पार्ट और इसका लेयर कंजॉइंड हुए हैं। जब ये कंजॉइंड होते हैं तो एक्रोसोम का सेल है ये रप्चर हो जाता है, और जब ये रप्चर होता है तो एक्रो जो स्पर्म है उसका जो ये टेल है वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है। जब ये मूवमेंट करती है तो इसमें मूवमेंट आता है और ये स्पर्म अंदर की ओर चला जाता है, मतलब स्पर्म का जो मिडिल पीस और हेड पार्ट्स है वो एंटर कर जाता है एग सेल में, मतलब पूरी तरह से एग में। अब यहां पर जाकर के ये जब इसका जो मिडिल पीस है जब ये नष्ट होगा, अभी नष्ट तो नहीं होगा, पर जो इसका हेड पार्ट है ये टूट जाएगा, जब हेड पार्ट पूरी तरह टूटेगा तो इसका जो मेल न्यूक्लियस है वो इस तरह के कर सकता है। समझ गए आपको कि टेल्स का क्या फंक्शन है, मिडिल पीस का क्या फंक्शन है, एक्रोसोम का क्या फंक्शन है। अब मेल न्यूक्लियस बचा तो मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके डिप्लॉयड क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं या जायगोट्स बनाते हैं। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। अब
हम आगे चलेंगे पुओजेनेसिस पे। यानी अंडाणुजनन अंडाणुजनन देखिए अंडाणुजनन क्या होता है। एक्चुअल में जो अंडाणुजनन है वह शुक्राणुजनन से उसकी क्रिया बहुत ही भिन्न होती है। अंडाणुजनन जो होता है वह मादा में या फीमेल्स में गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। वह जब गर्भावस्था में रहता है तो उनके अंदर प्रिमोर्डियल जर्म सेल की संख्या 2 करोड़ होती है। कितना? 2 करोड़। बट इनके जन्म तक वो नष्ट होते 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 60 से 80 हजार ही बच पाते हैं। जब ये 60 से 80 हजार बचते हैं तो ये जन्म के बाद फिर ये धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं बहुत तेजी से नहीं नष्ट होते हैं जितना गर्भावस्था में नष्ट होते हैं। ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं तो होता क्या है कि इनमें अभी 60 से 80 हजार बचे हुए हैं तो ये अरेस्ट होते हैं मियासिस फर्स्ट स्टेज में मियासिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहते हैं। अभी ये कोई फंक्शन नहीं कर सकते मतलब अभी ये फ्यूज होंगे तो कुछ होगा नहीं इस फंक्शन से। जब ये मियासिस फर्स्ट के मेटाफेज में रुके हुए हैं और ये तब तक रुके रहते हैं जब तक यानी 60 हजार से 80 हजार है इनमें तब तक वृद्धि या विकास या विभाजन नहीं होता है जब तक कोई फीमेल्स अपने मैच्युरेशन स्टेज में नहीं पहुंचता है या यूं कह लें तो प्यूबर्टी स्टेज को जब तक कोई फीमेल्स अचीव नहीं करती है तब तक जो सेल का डिविजन और ग्रोथ है वो रुका होता है। जैसे ही कोई फीमेल्स प्यूबर्टी को अचीव कर लेती है तो उसमें फिर से क्या होता है इन्हीं प्रिमोर्डियल जर्म सेल से जनरेटिव सेल बनते हैं और जनरेटिव सेल से हमारे प्राइमरी ओसाइट बनते हैं और प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनते हैं और यही सेकेंडरी ओसाइट लास्ट स्टेज में स्पर्म से फ्यूज होने के बाद मैच्योर एग का फॉर्मेशन करता है और फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण करता है। तो आइए हम बात करते हैं कि बनता कैसे है। तो देखिए ये हमारे प्रिमोर्डियल जर्म सेल है या जनरेटिव सेल भी कह सकते हैं। प्रिमोर्डियल जर्म सेल से जो सेल्स है हम एक सेल को लेकर दिखा रहे हैं ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल है इसकी जो प्लॉइडी ट्यूबुलर है। अब इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन। जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो इससे 2 सेल का निर्माण होता है जिनमें 2N और 2N होता है। ठीक। अब इस सेल में और
स्टार्ट होती है मियासिस फर्स्ट की, मियासिस फर्स्ट की। जब इनसे मियासिस फर्स्ट होता है तो इनसे दो अनसेल या डिफरेंट सेल का निर्माण होता है। जब इनसे दो डिफरेंट सेल का निर्माण होता है तो एक सेल बड़ी होती है एक सेल बड़ी होती है, दूसरा सेल छोटा होता है। इसमें भी एन नंबर, इसमें भी एन नंबर, मियासिस हुआ है। अब ये हमारे बन गए प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी ओसाइट बना और ये बना फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फिर से इसमें मियासिस सेकेंड होगा, फिर से टू सेल का निर्माण होगा, ठीक मियासिस सेकेंड। अब इससे फिर इसको हम उगोनिया कहते हैं, इसको प्राइमरी ओसाइट। अब इससे जो अगला सेल बनेगा इसमें भी दो सेल्स, इसमें नंबर या इसमें नंबर या, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पोलर बॉडी। और ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। अब ये ही जो सेकेंडरी ओसाइट है हमारा, ये अरेस्ट है मियासिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में, मियासिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में, यानी अभी इसमें मियासिस सेकेंड कोड नहीं हुआ है, यही है सेम, यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, वो जेनेसिस या अंडाणु जनन। समझ में आया, सेम प्रक्रिया उधर भी सेल्स में होंगे। तो ध्यान रखिएगा एक बार के अर्धसूत्री विभाजन से एक ही एक का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक ओवरी में, जबकि एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार स्पर्म की निर्माण, चार स्पर्म का निर्माण होता है। ओके, आगे आइए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऋतुस्राव की आरेखीय निरूपण। आरेखीय निरूपण मतलब हम यहां पर जैसा कि मैंने कल एमसी के बारे में बताया था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताया था, आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस कितने दिन पर क्या होता है, कौन सा हार्मोन कैसा काम करता है। तो स्टार्ट कर
तो देखिए आज हम आवर्त चक्र के या एमसी के या एमसी को एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कितने दिन पर क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन कार्य करते हैं और कौन किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए सबसे पहले जब कोई फीमेल्स प्यूबर्टी को अचीव करती है तो उनमें एक फॉर्मेशन या ओजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले होता यह है ओवरीज में कि जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल होते हैं वो उगोनिया बनाते हैं और उगोनिया से प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होता है। जब प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होता है तो उस समय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी हमारा एंडेलियन पिट्यूटरी है और यह हमारा हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है और ये इनको कहे तो प्रेरित करता है, मतलब एंडेलियन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है एफएसएच और एलएच सेक्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले एफएसएच देख रहे हैं कि इसका जो लेवल है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और होता क्या है कि जो हमारा प्रिमोर्डियल नाम लिखते हैं प्रिमोर्डियल फॉलिकल यानी जो एफएसएच है वह हमारे प्राइमरी ओसाइट पर प्रीमोर्डियल फॉलिकल का निर्माण करता है और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है एफएसएच का वैसे वैसे फॉलिकल का जो लेयर्स है वो प्राइमरी ओसाइट के ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो आगे चल करके यही प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, फिर आगे चल करके सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, फिर आगे चल करके मैच्योर ग्रैपियन फॉलिकल बनेगा। जब मैच्योर ग्रैपियन फॉलिकल बन जाता है तो 13वें दिन एनएच का जो देख रहे हैं चार्ट में लेवल काफी हाई हो जाता है। जब ये काफी हाई हो जाता है तो 14वें दिन जो ग्रैफियन फॉलिकल है यह टूट जाता है और टूटने के बाद जो हमारा एग होता है वो रिलीज होता है। इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। ठीक, जैसे ही ओवुलेशन होता है तो जो हमारा फॉलिकल है, जो ग्रैफियन फॉलिकल है वह पूरी तरह से डीजनरेट नहीं होता है। ठीक है, पूरी तरह से डीजनरेट नहीं होता है, वह आगे चल करके कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। अब यही कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराता है। हालांकि यहां जो हम देख रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो देख रहे हैं कि लगातार जो इसका लेवल है वो घटा हुआ है और ये बढ़ना कब से स्टार्ट हुआ है, हमारे ओवुलेशन के समय काफी हाई हुआ है। तो जब ये ओवुलेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, फिर धीरे धीरे
पता नहीं रहता है, क्योंकि यह जो प्रोजेस्टेरॉन है यह इस एक को ऐसा एहसास दिलाता है कि अभी रुके रहो, अभी रुके रहो, फर्टिलाइजेशन होगा, अभी रुके रहो, फर्टिलाइजेशन होगा। अब ओवरी करेंगे क्या? अरे एक करेगा क्या? एक करेगा क्या? वेट करता है। तो जब वेट करता है धीरे धीरे 21 दिन जब बीत जाता है पूरी तरह से, शुरू से लेके 21 दिन तक, यानी 21वें दिन फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल तो बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है अचानक से। जब यह घट जाता है तो वहां उसके बाद से जो एक है वह डी जनरेट होने लगता है, उसके साथ साथ जो हमारे यूटेरस के एंडोमेट्रियम है वह धीरे धीरे डी जनरेट होने लगता है, अभी टूटने लगता है, और उसमें जो कार्पस जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं वह भी टूटने लगते हैं, जिससे ब्लड निकलता है और उसका एंडोमेट्रियम एक लिक्विड फॉर्म में ब्लड के साथ हो जाता है, और वही जो हमारा एक डी जनरेट हो गया है वह इस लिक्विड के साथ कहां आता है? वजाइना से या योनि से बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया 3 से 5 दिन तक होता है, उसके बाद फिर से 29 दिन के बाद एक नए आवर्त चक्र का प्रारंभ होता है। तो यह था हमारे एमसी का यानी आवर्त चक्र का रेखीय आरेखीय निरूपण। ठीक, समझ में आ गया? तो आगे हम चलेंगे फर्टिलाइजेशन पौधों प्राप्त के हैं। फर्टिलाइजेशन का मेन मकसद होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इट इज ए केमिकल प्रोसेस, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है यह नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। और इसमें देखिए होता क्या है, मैंने बताया चुका, जैसा कि मान लीजिए यह हमारा एग है, एग में मेल फीमेल न्यूक्लियस है, ठीक, फीमेल और उसका साइटोप्लाज्म है, और इसमें लेयर्स होते हैं, कई लेयर्स होते हैं, एक तो हमारा थीटा एक्सटर्नल होता है, सेकेंड हमारा थीटा इंटरनल होता है, और जो सबसे लास्ट होता है वह जोना पेलोस्फीरा होता है। देखिए जो थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना थीका मेन का होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जो जोना पेलोस्फीरा होता है वह इंटरनल लेयर होता है। हम बता दें कि जब कोई भी स्पर्म आपसे बात करनी है।
जब कोई भी स्पर्म फ्यूज करता है तो यह आके थीका एक्सटर्ना से टकराता है। जब थीका एक्सटर्ना से टकराता है तो स्पर्म का जो एक्ट्रोसोम है, एक्ट्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसको गलाते हैं, फिर इसको गलाते हैं, फिर लास्ट में इसको गला देते हैं। जब ये तीनों गल जाता है तो ये जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म का मिनी पीस और हेड इसके एक के अंदर चले जाते हैं, जिसमें मेल न्यूक्लियस है, माइटोकांड्रिया होता है, बट जो टेल्स होता है वो बाहर नहीं होकर रह जाता है। ठीक है, जब बाहर और ये अंदर आ गया तो इसमें जानते हैं कि यह एक हमारा मेल फीमेल न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस है। अब जो फीमेल सेल है, जो हमारा फीमेल गैमेट्स है, उसके बाद दो सेंट्रियोल होते हैं, तो वह जब इससे मिलता है तो एक सेंट्रियोल इस मेल फीमेल न्यूक्लियस को प्रोवाइड कर देता है। अब इसके बाद इन दोनों में फ्यूजन हो जाता है और फ्यूजन होने के बाद अब इनमें ये कैसे हुए, ये डिप्लॉयड हो गए। अब इनमें माइटोसिस की प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। जब माइटोसिस की प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा तो इससे बनता है सबसे पहले मारूडा। क्या बनता है? मारूडा, यानी पहले ये दो सेल के होंगे, फिर उसके बाद चार सेल के होंगे, इस स्टेज को कहते हैं मारूडा। अब ये चार सेल के बाद आठ सेल के होंगे, देखिए तो हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये मान लीजिए हमारा ये पूरा एग है, ठीक, और उस एग में तीन लेयर्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल, जुर्ना पेलोसीडा, जुर्ना पेलोसीडा, और हमारा लास्ट में है न्यूक्लियस, और इसमें इसके हैं साइटोप्लाज्म। अब मान लीजिए कोई स्पर्म आता है, ये फ्यूज कर जाता है, जब ये फ्यूज करता है, फ्यूज करने के पश्चात हम बता दें एक्सप्रेसोम होता है, उसका फीकेंस करना था, उसमें कॉम्बिनेशन होता है। जब ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे से तो यहाँ पर केमिकल नेचर के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक क्रोसोम क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है और थीका एक्सटर्ना में डिजॉल्व हो जाती है, फिर थीका एक्सटर्ना डिजॉल्व हो जाता है, फिर जूना पेलोसीडा डिजॉल्व हो जाता है, किसके थ्रू, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्रोसोम में था, ध्यान रखिएगा। जब ये पूरी तरह से गल जाते हैं तीनों लेयर्स, तो जो स्पर्म है, स्पर्म का मिडल पीस और हेड ये इंटर कर जाते हैं एक सेल में पूरी तरह से। अब होगा क्या, जो एक सेल और स्पर्म है, एक के पास न्यूक्लियस है और स्पर्म के पास भी न्यूक्लियस है, और स्पर्म के पास टू सेंट्रियोल है प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो एक सेंट्रियोल या एक न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद इन दोनों में फ्यूजन होगा, तो मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस मिलकर के 2n जायगोट का निर्माण करेंगे।
अब ये भी इसी जायगोट्स में आगे प्रवर्धन होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एक सेल दो कोशिका मिलेंगे, एक हो गया ये एक सेल डिप्लॉयड है, अब इससे विभाजन का माइटोसिस, इसमें दो कोशिकाएं होंगी, अब फिर इसमें चार होंगी, उसके बाद आठ होंगी, आठ हो गए। अब ऐसे ही बढ़ते रहते हैं तो 32-64 यानी ब्लास्टुला। अब इसके बाद जो बनेगा वो बनाएगा गैस्ट्रुला, जो 64 सेल का होता है आगे चलकर के, मतलब एक ठोस बाल के समान संरचना हो जाता है। तो इसी संरचना में जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला के बाद इसमें माइक्रोमियस कोशिकाएं होती, लघु खंड कोशिका, उनमें बहुत तेजी से डिवीजन होता है, उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है, फिर वह लघु के बाद दीर्घ जो खंड कोशिकाएं होती हैं उनके चारों तरफ आच्छादित हो जाती है, यानी माइक्रोमियस के चारों तरफ आच्छादित हो जाती है। आच्छादित होने के तत्पश्चात यह थ्री जर्म लेयर्स का निर्माण करती है। जब ये थ्री जर्म लेयर्स का निर्माण कर लेती है, या तो फिर थोड़ा सा डिटेल जाए तो ये माइक्रोमियस के चारों तरफ आच्छादित होने के बाद जो माइक्रोमियस होता है वह ध्रुवीय ध्रुव से हट करके वह ध्रुवीय ध्रुव की तरफ चला जाता है और इन्हीं से तीन जर्म लेयर का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एपिपोली कहलाती है। और जब इनसे तीन जर्म लेयर्स का निर्माण हो जाता है तो यह प्रक्रिया गैस्ट्रुला बन कहलाता है। गैस्ट्रुला बन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा, इसको नोट्स भी बनाते रहिएगा। देखिए जैसे हम तीन लेयर की बात किए थे, वो तीन लेयर है क्या क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, यही हमारे तीन लेयर्स हैं जो हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते या उत्तरदायी होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लमसम धीरे धीरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो चला है और जो भी होगा कल पूरा कर दिया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, आप इसे ध्यान से पढ़ें।